Today I'm going to discuss infertility. To make it easy, I'm giving you a very easy solution. You just have to keep a letter in your mind, and that letter is P. P, P for Pakistan, right? P for your infertility entire case approach. एक चीज याद रखिएगा, इनफर्टिलिटी में फीमेल पार्टनर की हिस्ट्री भी आपने उसी से लेनी है और उसके शौहर की हिस्ट्री वो भी उसी से लेनी है. एग्जाम में शौहर नहीं बैठा हुआ होगा. हाँ, जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे होंगे, अपना क्लिनिक कर रहे होंगे, उसमें आपके पास हस्बैंड होगा. आप यकीनन हस्बैंड को सामने बिठा के हिस्ट्री लेंगे. पी फॉर प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द फीमेल पार्टनर, पी फॉर पार्टनर, पार्टनर की हिस्ट्री सारी आ जाएगी. पी फॉर प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पी फॉर पीसीओस, पी फॉर पीरियड्स का प्रॉब्लम, पी फॉर पीआईडी, P for prolactin का इशू, एंड P for pharmacological things, जिसमें कि ड्रग्स आ जाएंगी सारी. P for privacy, privacy is all about coital history. उसके बाद P for past history, past history में P for pregnancy and postpartum, P for pelvic surgeries, any kind of pelvic surgeries. So it's all about P. सबसे पहले फीमेल, पी से प्रॉब्लम्स, सारे पी से प्रॉब्लम, पी से पीसीओस, पी से पीआईडी हो गया, प्रोलेक्टिन के मसले हो गए, पी से फार्माकोलॉजिकल ड्रग हिस्ट्री, पी से थायराइड, पी से मैच नहीं कर रहा था वो भी मैं सोचती हूँ उसका मैं क्या बना सकती हूँ. पीसीओस, पीआईडी, प्रोलेक्टिन, थायराइड, ये सारे प्रॉब्लम्स हैं जो फीमेल के हैं. फिर पी से पीरियड्स, फीमेल से आपने सारा कुछ पीरियड से रिलेटेड पूछा, एज ऑफ मेनार्की कब थी, पीरियड्स का क्या साइकिल है, 7/28 है, 42 डेज के बाद पीरियड्स आ रहे हैं, कितने दिन ब्लीडिंग चल रही है, डिसमेनोरिया, डिस्पेरोनिया, यू नो पेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, पेन से ही तो एंडोमेट्रियोसिस का पता चलेगा. डीप डिस्पेरोनिया, सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया, पीआईडी क्या बताता है? सुपरफिशियल डिस्पेरोनिया. डीप डिस्पेरोनिया क्या बताता है? एंडोमेट्रियोसिस. ठीक है, थ्रू आउट पेन है कि नहीं है, डिस्मेनोरिया है कि नहीं है, ये तमाम चीजें पीरियड्स की अम्ब्रेला के नीचे आती हैं. अब आ जाएं पी से पास्ट हिस्ट्री. पास्ट हिस्ट्री में सबसे पहले प्रेगनेंसी एंड पोस्टमार्टम. ऑफकोर्स एक इनफर्टिलिटी का केस आएगा, अगर तो वो प्राइमरी सब फर्टिलिटी है तो फिर तो प्रेगनेंसी नहीं है ना. उसके बाद पी से पेल्विक सर्जरीज, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. क्या क्या सर्जरीज हो सकती है? पी से ट्यूबल सर्जरीज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिपेयर हुआ हुआ होता है, कोई ओवेरियन सिस्ट की सिस्टेक्टमी हुई भी होती है, लेप्रोस्कोपिक कोई मायोमेक्टमी है, सिस्टेक्टमीज हैं, कोई और इस तरह की डर्मोइड सिस्ट है, ये सारी पेल्विक सर्जरीज है ना. सो कोई भी तरह की पेल्विक सर्जरी अगर हुई है तो उसकी वजह से एडिजन्स बनेंगी, उसकी वजह से ट्यूब की एनाटमी खराब होगी, ओवेरियन मॉर्फोलॉजी पे फर्क पड़ सकता है, ये तमाम बातें. सो वो भी पी से आ गया. उसके बाद प्राइवेसी, पी से प्राइवेसी इज ऑल अबाउट क्वाइटल हिस्ट्री. क्वाइटल हिस्ट्री में आपने जो कंपोनेंट्स अपने दिमाग में रखने हैं ना, वो क्या क्या रखने हैं, कि एक तो लिबिडो कैसी है दोनों की, यानी कि सेक्सुअल डिजायर कैसा है, सेक्सुअल अराउजल कैसा है. यानी ये तो नहीं है कि जो मेल पार्टनर है उसकी तो इरेक्शन ही नहीं हो रही ठीक से. अक्सर ये नर्वस प्रॉब्लम होता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, डिप्रेशन में, एंजाइटी में नहीं सेक्सुअल अराउजल हो रहा होता, इरेक्शन नहीं हो रहा होता, और इसके अलावा कोई कुछ लोगों में प्री मेच्योर इजैक्युलेशन आ रही होती हैं. ये तमाम चीजें अपने माइंड में आपने रखनी है, इरेक्शन से रिलेटेड, इजैक्युलेशन, सेक्सुअल अराउजल, और इसके अलावा लिबिडो, इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा एक्सेसिव वजाइनल ड्राइनेस तो नहीं फील होती है, इम्पोटेंस तो नहीं है, और डिस्पेरुनिया. ये सब चीजें जो आप अपने माइंड में रखेंगे और पूछेंगे कैसे कि आप मियां बीवी अपने रिश्ते से मुतमईन, हम बिस्तरी से मुतालिक तो नहीं कोई मसला आपको. देन पी फॉर फार्माकोलॉजिकल. फार्माकोलॉजिकल में क्या चीजें आती हैं? जैसे एंटीसाइकोटिक कोई ले रहा है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स कोई बहुत ज्यादा ले रहा है, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वो फीमेल है, साइमेटिडीन है, मीटोक्लोप्रामाइड है, ये वो तमाम ड्रग्स हैं जिनका प्रोलेक्टिन पे भी असर पड़ता है, जिनका नर्वस सिस्टम पे असर आ रहा होता है, तो डेफिनेटली इससे कनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है. फिर पी फॉर पार्टनर. पार्टनर में क्या बातें आ रही हैं? हस्बैंड से रिलेटेड क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले हस्बैंड की एज, हस्बैंड का ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन से क्या मुराद है? ऑफकोर्स अगर किसी की बहुत सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, ऑफिस वर्क है, सारा सारा दिन वो बैठता है, तो टेस्टिकुलर प्रेशर होता है, टेस्टिकुलर प्रेशर की वजह से भी स्पर्म काउंट हैम्पर करना स्टार्ट हो जाता है, मोटिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है, या कोई बहुत रेडिएशन एक्सपोजर है, ऐसी जॉब है जहां रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है तो वहां भी मेल पैटर्न इनफर्टिलिटी चल रही होती है. इसी तरह स्मोकिंग एडिक्शन, स्पर्म काउंट खराब हो जाता है, मोटिलिटी खराब हो जाती है. फिर उसके बाद हस्बैंड की ड्रग्स हैं, इसी तरह एंटीसाइकोटिक, कोई रेडियोथेरेपी, और इसी तरह मेडिकल हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप हस्बैंड की बचपन से लेके अभी तक की कोई बातें पूछें, अगर तो बीवी को पता है.
अक्सर शौहर डिस्कस कर लेते हैं ना, अक्सर नहीं करते हर चीज, तो वो नहीं भी बताते। हस्बैंड के जो प्राइवेट पार्ट्स हैं, अगर पढ़ी लिखी खातून है तो थोड़ा इस तरह से पूछ लें कि उसका कभी आज तक ऑपरेशन तो नहीं हुआ, उसने बताया मम्स है, टीबी है, कन पड़े तो नहीं निकले, डायबिटीज तो नहीं हुआ, शुगर की बीमारी, हाइपरटेंशन, कार्डिक डिजीज, कोई रीनल प्रॉब्लम, कोई रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, यू नो, तहारत नहीं ठीक तरीके से करना। यही चीजें शादी के बाद फिर फीमेल्स को असेंडिंग जेनिटल ट्रैक इन्फेक्शंस इंट्रोड्यूस करती हैं। ऑफकोर्स आपस के कॉन्टैक्ट की वजह से ही फिर इन्फेक्शन स्प्रेड करता है ना। सो रिपीटेड यूटीआईज का भी पूछें, उनकी वजह से भी हस्बैंड सीमेन एनालिसिस की जो रिपोर्ट होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, पस सेल्स आते हैं, इन्फेक्शन आ जाता है। ये तमाम चीजें पार्टनर से रिलेटेड हो गई, ठीक है। इसी तरह कोई साइकियाट्रिक इलनेसेज हैं, कोई पुराने डिप्रेशन चल रहे हैं, और अनडिसेंडेड टेस्टिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। अनडिसेंडेड टेस्टिस है कि शुरू में कोई बचपन में इसका इलाज तो नहीं हुआ, कि जो गोलियां थी वो पेट में पड़ी हुई थी और उसके बाद उनको नीचे लाया गया, या कोई हर्निया तो नहीं हुआ, हर्निया का ऑपरेशन तो नहीं हुआ, कभी कोई टॉर्जन हुई हो, कभी कोई ऑर्काइडोपेक्सी। ये हैं तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज, लेकिन आपने जब फीमेल से पूछना है तो कोई एक दो बातें पूछ लें, बस ज्यादा नहीं आपने पूछना। जाहिर हर बीवी को भी नहीं इतनी करीब से बातें पता होती हैं, सो थोड़ी बहुत पूछ लें कि आपके शौहर ने कभी आपको बताया है कि इस तरीके से उनका बचपन से आज तक कोई ऑपरेशन हुआ है, खास तौर पर मर्दाना उज्व के मामले में। उसमें फिर आप खुद ही अंदाजा लगा लें, वेरिकोसील है, हर्नियोग्राफी है, टॉर्जन है। ट्रॉमा भी पूछें, पार्टनर का कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, कोई ट्रॉमा है, अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, ये सब चीजें। सो ये सारा कुछ हो गया पी फॉर पार्टनर। पार्टनर में मेडिकल हिस्ट्री भी हो गई, सर्जिकल हिस्ट्री भी हो गई। सो पार्टनर का क्या क्या हुआ, एज, ऑक्यूपेशन, स्मोकिंग, एडिक्शन, उसका सारा वर्क नेचर क्या था, और उसकी सारी मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल डिसऑर्डर, डायबिटीज, टीबी, हाइपरटेंशन, यूटीआईज, रीनल प्रॉब्लम, साइकियाट्रिक इलनेसेस, सर्जिकल प्रॉब्लम, सर्जरी फॉर एनी हर्निया, वेरिकोसील, विजेक्टमी। ये भी तो नहीं है विजेक्टमी करा के पता चले आ गए हैं इनफर्टिलिटी का इलाज कराने, ये भी होता है। ट्यूबल सर्जरी हुई भी है, विजेक्टमी हुआ है, कुछ पता नहीं होता। उसके बाद पी से पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में सारा आपका स्लीप है, एपेटाइट है, बाउल कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कॉन्स्टिपेशन वगैरह, कोई यूरिनरी ट्रैक, यानी इससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि बाकी के सिस्टम में तो कोई मसला नहीं है। ये निमोनिक पी का याद रखें, ये कोई 8-10 पी मैंने आपको बताए हैं।